बीच नोएडा से एक बड़ी खबर बताएंगे। नोएडा के मॉल के पब में मर्डर का मामला आया, पुलिस ने 16 लोगों के हिरासत में लिया है। सभी 16 लोगों से पूछताछ की जा रही है, 5 लोगों की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक 5 लोगों की संदिग्ध भूमिका बताई जा रही है। नोएडा से खबर है, नोएडा में आपको बता दें कि पब में एक शख्स की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। ये आप देख सकते हैं, मॉल के पब में मर्डर का मामला, पुलिस ने 16 लोगों को इसमें हिरासत में लिया है। सभी 16 लोगों से पूछताछ की जा रही है। 5 लोगों की भूमिका संदिग्ध बताई गई है। नोएडा के एक मॉल में मामूली विवाद, पैसों को लेकर एक विवाद हुआ। उस विवाद में एक शख्स की इतनी पिटाई कर दी कि उसकी मौत हो गई। क्या है पूरा मामला, हमारे साथ बात करने के लिए एडिशनल डीसीपी रणविजय सिंह। उस समय कुछ लोग वहां पर पार्टी करने गए थे, एक वहां पे गार्डन गैलेरिया मॉल में बार है लॉस्ट लेमन, और वहीं पे जब ये पार्टी कर रहे थे उस समय कुछ विवाद हुआ जो वहां का स्टाफ था, और उसी में बाद विवाद बढ़ते बढ़ते मारपीट हुई। उसके बाद वहां से एक व्यक्ति को उसमें ज़्यादा गंभीर चोट लगी, तो उसको लेकर के वो लोग तत्काल गए। उसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया जहाँ पे वो उनकी मौत हो गई। सर, विवाद की वजह क्या रही, किस वजह से ये विवाद हुआ कि वहाँ के बाउंसरों ने उस शख्स की पिटाई कर दी? देखिए, अभी तक जो सामने आया है उसमें ऐसा लग रहा है जैसे जो बिल होते हैं उस बिल पे कुछ विवाद हुआ था। सवाल मेरा वही है कि अगर विवाद हुआ पैसों को लेकर, पुलिस चौकी वहीं पर है, पुलिस को बुलाया जा सकता था, लेकिन जान से मारना कहाँ तक उचित? और अगर हम लोग गए होते, आकर कोई उनको कोई चीज़ पसंद नहीं भी थी जो लग रहा था कि हाँ हम नहीं चाहते, तो कोई बात विवाद और झगड़ा करने से पहले पुलिस को सूचना मिल जानी चाहिए थी। सर, अब तक इस पूरे मामले में जो कार्रवाई की गई है किन धाराओं के तहत की गई है? देखिए, 302 में हम लोगों ने FIR दर्ज की है, और उसमें से 8 लोगों को हम लोगों ने अभी जो मेन 16 लोगों में से 8 लोग जो उसमें इन्वॉल्व दिख रहे हैं उनको हम लोगों ने अभी कस्टडी में लिया है, और बाकी जो एक एक चीज़ हम लोग देख रहे हैं अभी, हमारा फुटेज देखने का जो काम है वो भी प्रोसेस में।